नवी मुंबई आवाज को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाइए नवी मुंबई पनवेल उरण और लोनावला की ताजातरीन खबरें। सीबीएसई के 10वीं कक्षा के रिजल्ट सामने आए हैं। नवी मुंबई के छात्रों ने यह एग्जाम्स में बहुत अच्छे अंक प्राप्त करके अव्वल स्थान हासिल किया है। कोपरखरने के रिलायंस फाउंडेशन स्कूल और नेरुल के एपीजे स्कूल, यह दोनों स्कूल की टॉपर लड़कियां रही है और दोनों को एक जैसे ही नंबर 99.4% मिले हैं। रिलायंस फाउंडेशन की टॉपर का नाम है धात्री मेहता और एपीजे स्कूल के टॉपर का नाम है दीप्सना पांडा। साथ ही ऐरोली के न्यू होराइजन पब्लिक स्कूल में टॉपर रही है 99.2% के साथ वंशिका लोहाना। रिलायंस फाउंडेशन से सेकंड टॉपर रही है 99% हासिल करने वाली ऋतुजा कुलकर्णी। सभी स्टूडेंट्स ने अपनी पढ़ाई बहुत शिद्दत से की और आज उनका फल उन्हें मिला है। इन सभी टॉपर और उनके पेरेंट्स ने यह सक्सेस का राज बताते हुए हमारी करेस्पॉन्डेंट श्वेता भोईर से बातचीत की है। सीबीएसई 10th स्टैंडर्ड के रिजल्ट डिक्लेयर हुए और अभी हम आए हैं कोपरखरने के रिलायंस फाउंडेशन स्कूल में। हमारे साथ ही स्कूल की टॉपर धात्री मेहता, जिसने 99.4% स्कोर किए, अभी हमारे साथ तो खुद है। कैसा लग रहा है? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मेहनत जिस प्रकार से की थी उसके अकॉर्डिंग मुझे रिजल्ट मिला है एंड आई एम वेरी हैप्पी। 10th की पूरे तो साल था, मम्मी पापा ने किस तरह से सपोर्ट किया, क्या कहोगी? बहुत शुरुआत से एक तो कंसिस्टेंट प्रैक्टिस रही है और मम्मी पापा का शुरुआत से साथ रहा है। एग्ज़ाम के वक्त हो या नहीं, मतलब बहुत एकदम घर में माहौल मिला है पढ़ने का, पढ़ने लायक 10th स्टैंडर्ड में, और बस वही कंसिस्टेंट मेहनत और सिर्फ पढ़ाई की या फिर कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी की अपने? हाँ, पढ़ाई के साथ साथ मैं नीचे हर रोज़ खेलने जाया करती थी, उससे माइंड रिफ्रेश होता है और बहुत ज़रूरी है कि गैजेट से दूर रहती थी। लोग उसे रिफ्रेशमेंट मानते हैं बट वो सही टाइप नहीं है और हमें एक्टिव रिफ्रेशमेंट करना चाहिए जिससे हमारा माइंड फ्रेश हो और एक्सपांड हो। स्कूल के बारे में क्या कहोगे, किस तरह से टीचर्स का सपोर्ट रहा पेरेंट्स की तरह? स्कूल का बहुत बहुत बड़ा रोल रहा और मैं स्कूल को बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी। जिस टाइप से हमारे टीचर्स ने हमें मेहनत करवाई है और उन्होंने खुद इतना टाइम डेडिकेट किया है, जैसे कि बहुत सारी पेपर प्रैक्टिस वगैरह, सैम्पल पेपर सॉल्व करवाना, हमें कभी भी टाइम जितने भी हम पेपर सॉल्व करें वो हमेशा चेक करके देते थे और हर स्टेप पे गाइड करते थे। 99.4% 497 आउट ऑफ 500, क्या लग रहा है? सोचा था इतना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब मैंने कैलकुलेट करके रखा था कि अगर मैं हर एक सब्जेक्ट में मेरा बेस्ट दूँ तो वो क्या होगा, और इसमें बिल्कुल वैसा ही हुआ है। अभी आगे क्या, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, क्या फील्ड? मैं साइंस लेने वाली हूँ। उसके बाद आगे? आगे अभी प्लान है जेईई मेंस और उसके बाद एडवांस दूँ और इंडिया की कोई बेस्ट IIT में पढ़ने जाऊँ। हु इज़ योर इंस्पिरेशन? इंस्पिरेशन तो हर एक को अपने आप को ही बनाना पड़ता है और अच्छे लोग हमारे आसपास जो होते हैं, जिन्होंने पहले भी अच्छा रैंक स्कोर किया हो, या हमारे पेरेंट्स जो इतने अच्छे पढ़े लिखे हो, जिस टाइप से वो मेहनत करते थे, तो वो इंस्पिरेशन मिल जाता है आसपास से। थैंक यू सो मच, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। अभी हमारे साथ है धात्री के मम्मी पापा, क्या कहोगे, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है एंड एक बात तय है कि कठिन परिश्रम का नहीं कोई विकल्प, अगर सतत मेहनत करने में आए और सही तौर पे ध्यान देके, छोटी छोटी बातों का ध्यान देके करने में आए तो रिजल्ट हमेशा मिलता ही है। सर मुझे बताइए किस तरह का सपोर्ट आपने किया उसे और किस तरह की पढ़ाई कर रहे हैं, किस तरह का माहौल था घर के अंदर? पढ़ाई एक बहुत ही प्रोमिनेंट रोल ले लिया था, उसका जो पढ़ने का जो एनवायरनमेंट होता तो हमने पूरा प्रयास किया कि उसको जो जो रिक्वायरमेंट हो वो मिले, लेकिन फाइनली मेहनत उसको ही करनी है, तो वो एक जो चीज़ है जो उसने ही डाला। हम एनवायरनमेंट पूरा दे सकते हैं लेकिन उसको जो मेहनत करनी वो उसको डाला। प्लस हमने ये खास ध्यान रखा कि वो सिर्फ एक ही चीज़ में उलझी हुई ना रहे, तो हर रोज़ उसको थोड़ा धक्का मार के भी खेलने के लिए भेजा करते थे एंड प्लस सुबह को थोड़ा टाइम अपने लिए निकालने का, जैसे मेडिटेशन करना, वो आर्ट ऑफ लिविंग की क्रिया और सब करती है, तो उसकी वजह से वो थोड़े अंतर्मुखी भी रहती है और उसकी वजह से उसका फोकस और कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी लंबे समय तक रह सकता था, तो हमने पूरा दिया उसको। सर एज अ पेरेंट अपने बेटे ने इतना अच्छा स्कोर किया है, क्या लगता है, क्या फील, प्राउड फील करते हो कैसे? बहुत बहुत प्राउड फील कर सकते हैं हमारे, हम लोग जो मेहनत करते हैं उसका फल उसको मिला है वो एक लग रहा है, तो उसके लिए सबका ब्लेसिंग, सबकी गुड विशेज हैं, तभी ओके हुआ है। आगे के लिए आप क्या सोच रहे हो, उसके लिए क्या करना चाहिए उसने आगे? उसका जिस तरह का झुकाव है उसके हिसाब से लगता है कि वो IIT में जाके फिर मैनेजमेंट करके कोई अच्छा सा रोल अदा कर सकेगी या फिर वो सिविल सर्विसेज में भी जा सकती है। क्या बेस्ट विशेस देना चाहोगे आप दोनों भी, आप मुझे बताइए क्या बेस्ट विशेस दोगे उसे? अभी तय करना थोड़ा जल्दी है,
उसका क्या आगे जाके टर्न लेती है, करियर में क्या इच्छा है, वो और दो साल के बाद ज़्यादा पता चलेगा, बट वो जो भी निर्णय लेगी हम उसके साथ खड़े रहेंगे। आप क्या बेस्ट विशेष दोगे अपने बेटे को? बस हमेशा हम कुछ काम कर सके तो मेरी इच्छा है कि जो भी पढ़ते सभी है, लेकिन अगर ये पढ़ाई उसकी ये राष्ट्र में काम आए, लोगों का भला कर सकें, तो वो हमारे लिए सबसे बड़ा रिजल्ट है। और ये उसके मार्क्स हैं वो एक ही पैरामीटर है, एज अ पर्सन शी हैज़ टू बी अ गुड पर्सन। तो जैसे भी बढ़ती जाए आगे वो ग्राउंडेड रहना चाहिए, वो एक चीज़ हम लोग उसको सिखाते रहेंगे। थैंक यू सो मच सर। जैसे कि अभी हमने धात्री के मम्मी पापा से बात की, उससे खुद से बात की, उसने कहा कि फोकस रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, गैजेट से दूर रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो कि उसका रिजल्ट आज उसको देखने को मिला है। कांग्रेचुलेशंस टू हर। वीडियो जर्नलिस्ट अरबाज़ 14 भोर की रिपोर्ट, नवी मुंबई आवाज़ कोपर करने। नेरोली पीजी स्कूल की टॉपर दीप्सना पांडा और उनके पेरेंट्स ने अपनी खुशी जताते हुए अपनी राय दी है। पहले तो जब मैंने ये न्यूज़ सुना कि मुझे 497 आया है, तो पहले मुझे विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी। मैंने 98 अबव एक्सपेक्ट किया था, बट 99.4 तक नहीं किया था, तो ये मेरे लिए काफ़ी खुशी की बात है। किस तरह पढ़ाई की थी आपने? मैं शुरू से ही पढ़ाई कर रही थी, ऐसे मैंने कभी भी एक भी दिन छुट्टी नहीं मारा। इसी के साथ साथ मैं सुबह को ज़्यादा नहीं पढ़ना पसंद करती, मैं रात को ही जग के ज़्यादा टाइम पढ़ती हूँ, और मुझे मैथ्स और साइंस में स्पेशली ज़्यादा थोड़ा इंटरेस्ट है, तो वो सब मैं काफ़ी खुशी खुशी पढ़ती थी, बट इंग्लिश मुझे थोड़ा बोरिंग लगता है, तो उसमें मैंने थोड़ा ज़्यादा फोकस किया। और मैंने कोई टाइम टेबल बना के नहीं पढ़ा था, क्योंकि मैं मानती हूँ कि जो भी आपको अगर लगता है कि आप किसी चीज़ में वीक हो या आपको किसी चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना है, तो आप उसी हिसाब से पढ़िए, और मैंने उसी हिसाब से पढ़ाई की। मुझे मैथ्स साइंस और संस्कृत में 100 मिला है, और बाकी इंग्लिश और इंग्लिश में मुझे 98 मिला है, और एसएसटी में 99। टॉपर मुझे स्कूल में टॉप चाहिए था, बट मुंबई रीजन या ऐसे में मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं साइंस ले रही हूँ, मेडिकल स्ट्रीम, और मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मुझे डांस करना, गाना गाना भी मुझे अच्छा लगता है, और मैं कभी कभी ऐसे वॉकिंग जॉगिंग पे जाती रहती हूँ। नहीं, यकीन था स्कूल में आएगी, बट स्टेट लेवल में आएगी करके पता नहीं था। नहीं, टाइम टेबल हूँ एज यूजुअल अपना, जैसे एग्जाम है तो उसके लिए ही पढ़ेगी ऐसा नहीं था, वो रेगुलर अपना स्टडीज करती थी है, और ईच सब्जेक्ट को वो इम्पोर्टेंस भी देती थी। हॉबीज उसका सिंगिंग है और डांस भी करती है। नहीं हाँ, थोड़ा छोड़ी थी, अभी 10th के लिए ही छोड़ दिया था, बाकी तो कंटिन्यू है। और वो भारतनाट्यम डांसर भी है, उसने एरेंगेट्रम भी किया है अपना जो भी। कोपर करने के रिलायंस फाउंडेशन की सेकेंड टॉपर ऋतुजा कुलकर्णी और उनके पेरेंट्स ने डेडिकेशन से किस तरह सक्सेस मिला ये बताते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी है। मेरा नाम रुचिता कुलकर्णी, रिलायंस फाउंडेशन स्कूल, और 99% मिला है मुझे, 495 आउट ऑफ 500। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा रिजल्ट देख के, मतलब पहले भरोसा विश्वास नहीं हुआ ये रिजल्ट देख के कि इतना सच में मिला है मुझे, लेकिन मेहनत का फल मिला। नेक्स्ट अभी IIT के लिए प्रिपेयर अभी से ही शुरू किया है मैंने प्रिपरेशंस, तो JEE मेंस एंड एडवांस क्लियर करना है। मैं कहूँगी फर्स्ट डे से सब प्रैक्टिस कीजिए, हार्डवर्क कीजिए, और मतलब शेड्यूल फॉलो कीजिए, पहले से अगर कंसिस्टेंसी होगी तो फिर यू कैन गेट द रिजल्ट इन द एंड। बहुत प्राउड मोमेंट है मेरे लिए ये, उसका हार्डवर्क डेडिकेशन, वही आज पूरा उसका फल उसे मिला है, तो भगवान उसे ऐसे ही हमेशा तरक्की करे, यही प्रार्थना करूँगी मैं। डेफिनेटली एज अ पेरेंट तो बहुत प्राउड फील कर रहे हैं, बट मैंने हमेशा उसको कहा था कि मार्क्स से ज़्यादा कंसेप्ट के ऊपर ध्यान दो, बिकॉज आगे जाके कंसेप्ट ही जिंदगी में ज़्यादा काम आते हैं। मार्क्स तो ऊपर नीचे होते रहते हैं, बट शी हैज़ बीन स्कोरिंग ऑलवेज बेटर बेसिकली, एंड मैं तो यही कहूँगा इसके बाद भी कंसेप्ट के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे के आगे की अगर पढ़ाई करेगी तो डेफिनेटली वो क्या सभी बच्चे अच्छे एक्सेल करेंगे, यही एडवाइस रहेगा। पढ़ाई में तो हमेशा वो अव्वल ही रही हुई है, बट मैं ये चाहता हूँ कि जो जरा ज़्यादा डेडिकेशन वो और करे, कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा दिखाए, तो स्टिल शी कैन डू बेटर देन दिस। CBSC 10वीं कक्षा में नवी मुंबई के स्टूडेंट्स ने अव्वल अंक प्राप्त किए हैं। इन सभी स्टूडेंट्स को नवी मुंबई आवाज़ की ओर से उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। वीडियो जर्नलिस्ट अरबाज साठी सुमित रेनोसे के साथ श्वेता भोर की रिपोर्ट, नवी मुंबई। नवी मुंबई आवाज़ को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन, और पाइए नवी मुंबई पनवेल उरन और लोनावला की ताज़ातरीन खबरें।